नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। और सुबह से लगातार जिस समय आप सो रहे थे उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक दुनिया के तमाम बड़े मुल्कों के नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे थे। सुबह 6 बजे त्रिपक्षीय मुलाकात हुई जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जापान की तरफ से शिंजो आबे मौजूद थे। और उसके बाद द्विपक्षीय मुलाकात हुई भारत और अमेरिका के नेताओं की जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे। और उसके थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स देशों की मीटिंग को भी संबोधित किया। तीनों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और सुबह से लगातार कवरेज आज तक आपको दिखा रहा है। जैसे जैसे ये मुलाकातें हो रही हैं, इन मुलाकातों के मायने क्या हैं, इन मुलाकातों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान को, अमेरिका को और दुनिया भर के मुल्कों को क्या संदेश दिया है, हम आपको सुनवाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ बड़ी बातें। आतंकवाद सारी मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है, यह निर्दोषों की जान तो लेता ही है, आर्थिक प्रगति और सामाजिक स्थिरता पर बहुत बुरा असर भी डालता है। हमें आतंकवाद और जातिवाद को समर्थन और सहायता के सभी रास्ते बंद करने होंगे। एक्सेलेंसीज, इन समस्याओं का निराकरण यद्यपि आसान नहीं है, फिर भी समय की सीमा में 5 प्रमुख सुझाव देना चाहूंगा। ब्रिक्स देशों के बीच तालमेल से एक तरफा फैसलों के दुष्परिणामों का निदान कुछ हद तक हो सकता है। हमें रिफॉर्म मल्टीलेटरलिज्म के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय और व्यापारिक संस्थाओं तथा संगठनों में आवश्यक सुधार पर जोर देता रहना होगा। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया लेकिन दुनिया भर को यह साफ कर दिया कि पाकिस्तान जैसे मुल्क जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं उस पर लगाम लगाने के लिए सबको एक साथ आना होगा। भारत की तरफ से एक फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच से पाकिस्तान पर यह बेहद करारा प्रहार, और खासतौर पर तब जब 2 दिन पहले अमेरिका के विदेश सचिव माइक पोम्पियो भारत होकर गए और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को लेकर उन्होंने एक बड़ा संदेश भारत की जमीन से दिया जिसके बाद से पाकिस्तान की जुबान पर ताला लगा हुआ है। आतंकवाद को लेकर और क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो भी आपको सुनवाते हैं। मैंने हाल ही में आतंकवाद पर एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस का आह्वान किया है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए जरूरी सहमति का अभाव हमें निष्क्रिय ही नहीं रख सकता। आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष को प्रमुख प्राथमिकताओं में जगह देने के लिए मैं ब्राजील की सराहना करता हूं। एक्सलेंसी, ब्राजीलिया में ब्रिक्स समिट की मैं उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा हूं। इस समिट को सफल बनाने के लिए भारत पूरा सहयोग करेगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।